मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैम ने आपको आपकी भाषा माद्री बुक का पार्ट 11 मौसम कविता के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करवाए थे। तो आज मैम आपको भाषा अभ्यास की बुक में इस कविता से संबंधित अभ्यास को करवाएंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए शब्दों का समान लय वाला एक शब्द लिखिए। जैसे चमकता, और चमकता का समान लय क्या बनेगा, दमकता, उड़ता, जुड़ता, निराले, मतवाले, पाते, जाते। अगला प्रश्न है, कविता मौसम में से कोई तीन युग्म शब्द छांट कर लिखिए। युग्म मीन्स योजक चिन्ह वाले शब्द, जो है फल फूल, छमछम, बन बन। अब अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, ऊपर लिखे किन्हीं दो युग्म शब्दों के वाक्य बनाइए। अब आपको जो मैम ने तीन युग्म शब्द बताए हैं, उनमें से किन्हीं दो युग्म शब्दों को लेना है और उनसे संबंधित एक एक वाक्य इस नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी शब्द में प में री की मात्रा है, इस मात्रा से बनने वाले कोई चार शब्द लिखिए। जैसे गृह, वृक्ष, प्रकृति, कृष्ण, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और शब्दों के बारे में पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में र में उ और अथवा उ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखना है। जैसे रप, अब रप को हमने क्या बनाना है, रूप। रची, रची को क्या बनाना है, रू, रुचि। जरर, जरर को क्या बनाना है, जरूर। गुर, गुर को क्या बनाना है, गु, रु, गुरु। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए। विलोम का अर्थ मैं हमने आपको पहले भी बताया हुआ, उल्टा या विपरीत। इसके लिए आपको एक हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और वो क्या है, असफलता, लेना, विदेश, कटु, रंक और अस्त। अब शब्द क्या है, राजा, राजा का विलोम रंक, स्वदेश, विदेश, देना, लेना, मधुर, कटु, सफलता, असफलता और उदय, अस्त। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, उचित सर्वनाम शब्द छांट कर रिक्त स्थान भरिए। अब आपको हर वाक्य के बाद दो दो शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें से उचित सर्वनाम शब्द को छांटना है और लिखना है। जैसे डैश, बाजार जाएंगे, हम या तुम, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम। अगला वाक्य है, मैंने डैश अपने पास बुलाया, उसे या मुझे, तो इसका सही शब्द है उसे। डैश मैदान में खेल रहे हैं, वह या वे, तो यहाँ पर आएगा वे। अपना काम डैश करना चाहिए, उन्हें या स्वयं, तो इसका यहाँ पर क्या आएगा, स्वयं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, मौसम शब्द सुनते ही आपके मन में उससे जुड़े अनेक शब्द आते होंगे, तो आपको भी उनमें से एक संबंध जोड़ना है और उनके नीचे लिखना है। जैसे बसंत, बसंत मौसम को हमें ध्यान में आते ही कौन से दो शब्द हमारे मस्तिष्क में आते हैं, फूल और पत्ते, क्योंकि बसंत के मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है। बारिश, बारिश में कौन से शब्द आते हैं, बादल, छाता। और गर्मी, गर्मी में हमें गर्मी से क्या आता है, पसीना, और दूसरा शब्द है हवा। सर्दी, सर्दी में कौन से दो शब्द ध्यान में आते हैं, स्वेटर और गर्म पानी। तो आज हम इस अभ्यास को अपनी अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। धन्यवाद।